अगर मैं सही जैसे कर दूं तो मेरे दोनों हाथ की लंबाई में ये घर है, वाह, चार वित्ते का किचन है ये। फ्रेम में आप जो एक घर देख रहे हैं, ये घर कितना लंबा कितना चौड़ा है जब आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। ठीक से आप अपनी बाहें फैला दें तो ये घर आप समेट सकते हैं। लंबी हाइट के लोग परेशान हो जाएंगे अगर इसको चौड़ाई में सोने की कोशिश कर दें। 6 फुट मुश्किल से ये चौड़ा ये घर है। और ये जो घर है वो एक दरअसल प्यार की निशानी है। इस घर के बारे में जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि एक पति ने अपनी पत्नी को प्यार के तोहफे के रूप में दिया था। यानी कि आगरा का ताजमहल के बाद अगर दूसरा कोई प्रेम की निशानी हो सकती है तो मुजफ्फरपुर का ये घर हो सकता है। आज के 3 साल पहले ये मीडिया की सुर्खी थी। आज हम यहाँ पर आए तो हमने सोचा कि देख ही लेते हैं इतने कम सी जगह में कैसे बना होगा ये घर। जब मैं इस घर को देखी तो मेरे जहन में एक बात आई, ईमानदारी से बता रही हूँ। आजकल के भागदौड़ की दुनिया में मोटे लोग पतले होने की कोशिश करते हैं, इसके लिए जिम पे जाते हैं, डाइटिंग करते हैं, ना जाने क्या क्या करते हैं, खाना पीना छोड़ के पतला दुबला स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। तो ये घर देख के कुछ ऐसा ही फील आ रहा है कि इस घर ने खूब डाइटिंग की है और पतला दुबला स्मार्ट हो गया है। अंदर से आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे बना है, कैसे इसको बनाया गया होगा। मैम आ रही हैं अभी, वो दिखाएंगी। मतलब अगर दो लोग मोटे मोटे हों तो इसमें अंदर से सीढ़ी से आ भी नहीं पाएंगे मुझे लगता है। मैम आ भी गई हैं। नाम आपका? मेरा नाम पूजा सिंह हुआ। नहीं नहीं, अच्छा ये सीढ़ी है, इधर से सीढ़ी बनाया गया था। और जब बच्चे ऊपर आते हैं लैब करने के लिए तो इधर से जाते हैं। हाँ नहीं, इधर से ले जाते हैं। हाँ नीचे से रास्ता है। तो ये सीढ़ी यूज में नहीं है? नहीं, अभी फिलहाल यूज में नहीं है। एकदम सीधी सीढ़ी है। सीढ़ी अमूमन ऐसे ऐसे होती है, ये तो एकदम सीधी सीढ़ी है। एक भूल भुलैया ऐसा तो नहीं है जैसे भूल भुलैया में होता है कि 3 गलत 1 सही, एक कोई सही दरवाजा होता है और 3 गलत, गलती से आप पैर रखे और पहुंच गए नीचे। ये फिलहाल यूज का नहीं है, ये बंद किया हुआ है और ये सीढ़ी जो है ये यूज है। ये आप देखिए, मेरे अगर मैं सही जैसे कर दूं, ये हाथ बुरा हुआ है, अगर मैं ऐसे कर दूं तो मेरे दोनों हाथ की लंबाई में ये घर है। वाह वाह, आधे में सीढ़ी रहते हैं मैम, इसमें रहती हैं जी मैम, ये फर्स्ट फ्लोर पे मैं रहती हूँ। ये पहला वाला फ्लोर है, आते आपको थोड़ी सी जगह मिलेगी। ये पंखा छोटा है घर की वजह से या? ये छोटा ही लगाया गया है। अच्छा। यहाँ पे आपको बेसिन मिल जाएगा और ये थोड़ी सी जगह मिल जाएगी। मैम ने इसको अपने बच्चे के लिए स्टडी के लिए बना दिया, स्टडी रूम समझ लीजिए या फिर कोई आते हैं तो बैठने के लिए गेस्ट रूम भी समझ सकते हैं। तो ये स्टडी रूम और गेस्ट रूम दोनों है। यहाँ पे किचन है। ओहो, कैसे बनता होगा? बहुत अच्छे से बनता है मैम। ये देखिए यहाँ पे किचन है। आइए बीतते से नाप दूं क्या? 1 2 3 चार वित्ते का किचन है ये। वाह, बहुत अच्छे से सब कुछ एडजस्ट किया। हाँ ये तो दिख रहा है, लग रहा है मैम ने मैनेजमेंट की पढ़ाई की है, इसलिए मैनेज कर रहे हैं। ये बाथरूम है? हाँ, ये लैट्रिन और बाथरूम है। अगर मैं थोड़ी सी और मोटी हो जाऊँ ना तो मैं इसमें नहीं जा पाऊंगी, मुझे ऐसा फील आ रहा है। पूजा करूँ मैं? ये बड़ा दिमाग लगा के बना होगा। ये एक रूम इधर पूजा के लिए और यही है एक मास्टर बेड का बेडरूम। अरे ये बेडरूम कोई दिक्कत इसे तो? नहीं नहीं मैम, कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है और आराम से रहते हैं। इसी तरीके का ऊपर और 3 मंजिला है। चलेंगे आप? बिल्कुल चलेंगे। ये एक फ्लोर हो गया है खत्म, अब हम चल रहे हैं इससे ऊपर। ये स्मार्ट से घर को हम घुमाएंगे टहलाएंगे और आप बताइएगा कमेंट में कि कैसा लगा ये घर। अब यहाँ से सीढ़ी स्टार्ट होती है दूसरे फ्लोर पे जाने के लिए। ये एक फ्लोर है। आपके पास ज्यादा जगह क्योंकि आपके पास बच्चा नहीं है पढ़ाने के लिए। चलिए आप, चलिए आप अपने घर में पहले चलिए। आइए, ये रहा किचन। ये रहा किचन मेरा। आप भी अच्छा मैनेज किए। लोग कहते हैं कि लड़कियां ही घर अच्छा संभालती हैं, भैया देख के लगता है लड़के भी संभाल लेते हैं। सामान कम है आपके पास? जी जी, मैं बैचलर हूँ तो मुझे कुछ ज्यादा जरूरत पड़ता नहीं है, सो मतलब बस मैनेज कर लेता हूँ। खाना बनाने के लिए जो हल्का फुल्का सामान? हाँ बस वही चावल वगैरह थोड़ा सा है और बस इसमें एडजस्ट करता हूँ। आप अपना रूम बंद करके रखे हैं क्यों? जी बस ऐसे ही बंद रखे। भैया का स्टडी टेबल यहाँ पे है।
और ये इनका मास्टर बेड है। मैम का थोड़ा बड़ा था ना बेड, आपका जी, थोड़ा जी, कम है। जी मेरा छोटा बेड है। इधर दिखाइए, यहाँ पे किताबें किताबें हैं, पढ़ते हैं क्या भैया? जी 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 मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं टीचर हूँ और गवर्नमेंट टीचर हूँ। अभी बिहार सरकार में मैंने सीटेट निकाला है। अच्छा। और इस बार मुझे मेरी ज्वाइनिंग हो सकती है सातवें चरण में। सो मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ और अलग से मैं कोडिंग भी करता हूँ। अच्छा। जी तो मतलब ये मैं ऐसे कहूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये घर काफ़ी किफ़ायती भी हो सकता है। जी 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 सस्ते में। अच्छा जी बिल्कुल। ये हो गया एक फ्लोर ख़त्म, अब इससे ऊपर वाले फ्लोर पे चल रहे हैं। और अब मैं आपको बताई हूँ इससे पहले भी कि ढंग से अगर ऐसे ऐसे सोने की कोशिश करें तो आपकी लंबाई भी नहीं आएगी। जी नहीं, आपकी हाइट कितनी भी? मेरी लगभग 6 फीट है। तो आप तो नहीं आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे, लंबे में ही सोना है, चौड़ाई में आप नहीं सो सकते। वाह, बड़ा गजब सा अनोखा सा घर है ये। एक फ्लोर तो बंद है मैम, तो इसको तो अच्छा ये डर नहीं लगता है कभी कि मतलब इतने पतले में है, कोई सामान लाना हो, मान ली कोई कार्टून बड़ा सा कार्टून? नहीं, मैं 3 सालों से रह रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा है जो कभी डर। बहुत सारा आंधी तूफान आया अभी, ठीक है, और बहुत सारे फ्रेंड डराए भी जो मतलब डर नहीं लगता, भूकंप आता है तो ये कुछ नहीं होता, लेकिन मैं इतना 3-4 सालों से रह रहा हूँ, मुझे कभी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, कभी डर नहीं लगा। मैंने पूरा फ्लोर में अकेले भी रहा है। अच्छा। लेकिन कभी कुछ भूत वगैरह का भी कुछ भी ये ऐसा कुछ डर नहीं लगा। भूत वाला डर तो नहीं है लेकिन चौड़ाई वाला डर तो है। ये यहाँ पे भी कोई रहता है? जी नीचे। अच्छा उनका किचन है, गजब। ये छत है, ये है, मतलब आप अगर चौड़ाई का अंदाजा लगाना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, सिर्फ इतना चौड़ा है ये घर, सिर्फ इतना चौड़ा। ये कितना चौड़ा है? ये 6 फीट है। 6 फीट। हाँ। और लंबा? लंबा इन दिस मुझे तो कंफर्म नहीं है, आप सर्च करोगे तो पता। हाँ वो लंबाई उतना कंफर्म नहीं है लेकिन चौड़ाई ये 6 फुट। गजब, बहुत मजा आता है। मजा आता है? बिल्कुल मजा आता है। यूनिक से घर में बहुत चर्चित है ये मकान। हाँ, तो मुझे बताइए लोग आते हैं इसे देखते? हाँ लोग जैसे मैं खुद आई हूँ देखने, वैसे ही लोग आते हैं देखने। कम से कम हम लोग नीचे इंस्टीट्यूट है तो रहते हैं नीचे, 10 लोग ऐसे मिल ही जाते हैं सेल्फी लेने वाले। अरे वाह, रुक के लोग सेल्फी लेते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ ऐसे घर में हम हैं कि जहाँ लोग रुक के सेल्फी लेते हैं। ये मैम जो ऐसे घर में रहती हैं, जो चर्चित मकान है यहाँ का तो कम से कम है ही, और लोग यहाँ पर आकर सेल्फी लेके जाते हैं, तो सोचिए ये आपका सौभाग्य में है। कुछ भी कोई भी आदमी है बिना सेल्फी लिए या फोटो क्लिक किए नहीं जाता यहाँ से, आने जाने वाले लोग जरूर खींचते हैं। ये कब बना था ये मकान? ये शायद 13 में, नहीं मैम कन्फर्म नहीं है कब बना था, लेकिन सर अपनी वाइफ को मुँह दिखाई का तोहफा दिए थे। एक पति ने अपनी पत्नी को मुंह दिखाई में ये मकान दिया था गिफ्ट, जो काफ़ी चर्चित है। और जो यहाँ पर रहते हैं वो लोग हमेशा मुस्कुराते ही रहते हैं क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आता है। हम यहाँ से जा रहे थे यहाँ तक, पहले हमने इसके बारे में सर्च किया, फिर हम यहाँ पहुँचे, हमें पता चला मकान मालिक नहीं है तो पता नहीं देख पाएंगे या नहीं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और उनका भी धन्यवाद कि उन्होंने मौका दिया कि हम ये खूबसूरत सा घर देख चुके हैं, अब चलते हैं नीचे। बड़ा मज़ेदार घर है, मतलब थोड़े से ज़मीन में भी आप घर बना के रह सकते हैं। जी जी बिल्कुल, सर का बनाने का एक ये भी उद्देश्य था जो मतलब आजकल की लाइफ में बहुत कम पैसे में भी लोग मतलब कैसे एडजस्ट करें, ठीक है, एक छोटा सा घर बना करके 3 धूर के ज़मीन में कैसे घर बना करके रह सकते हैं, सर के बनाने का एक ये भी उद्देश्य था। मतलब जितनी मैं लंबी हूँ थोड़ी सी और हो जाऊँ तो मेरी जितनी लंबाई में ये घर है। वाह, दो लोग ऐसे बराबर बराबर में नहीं चल सकते ना? नहीं नहीं, अकेले सिंगल चल सकते। मैं तो बार बार यही सोच रही हूँ कि वो बीवी कितना खुश होगी जिनको ये चर्चित सा घर मिला होगा तोहफे में। मतलब एक समय ताजमहल की चर्चा होती थी, आजकल इस घर की चर्चा है। अभी तक कितने लोग आए होंगे, अगर आप लोगों से मैं जानना चाहूँ कितने लोग आए होंगे अभी तक? लगभग हर समय कोई ना कोई मीडिया न्यूज या यूट्यूब चैनल वाले आते ही रहते हैं, कोई ना कोई हर दो दिन पे लोग आते ही रहते हैं, इसकी फिर वीडियो बनाते हैं और फिर सर सोशल वर्कर हैं, हमेशा कुछ नया क्रिएट करते रहते हैं समाज के लिए, एक उद्देश्य देते रहते हैं कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, छोटे से जगह में भी हमेशा ये चीज बताते रहते हैं। जब इस घर को बनाया, इसका डिजाइन मतलब बनवाया था अलग से, जब इस घर को बनाने की बात आई तो सारे इंजीनियर का माथा गुल हो गया, सब सोचने ही लगे कि कैसे इसको बनाएं, इतने थोड़ी सी ज़मीन में घर कैसे बनाएं। तो वो जिन्होंने इसका खांचा तैयार किया वो आ भी गए हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है।
एक छोटा परिचय आप दर्शकों को दें, और आपकी सोच तो बेमिसाल है, लाजवाब है, हम देख के भी आ गए। जी, संतोष कुमार नाम हुआ हमारा, हम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में प्रतिनिधि हैं। अच्छा। और भारत की तरफ से वहाँ प्रतिनिधित्व भी किए हैं 2018 में, जब महिलाओं के लिए एक सेशन था उसी में। इस घर को बनाने का तो पहले हम सोचे भी नहीं थे। 2005 में ये ज़मीन लिया गया, वैसे फिर छोड़ दिया गया। 2012 में एकाएक मन में आया कि इसमें बेकार पड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ किया जाए। और चूंकि हम समाज सेवी हैं और 18 वर्ष की उम्र से ही सोशल वर्क में लगे हैं, तो अपने मन से एक नक्शा हम तैयार किए, और जब लेके नगर निगम में गए तो वहाँ पता चला कि इतने कम ज़मीन में नक्शा पास नहीं होगा। हमने उनको बताया कि नहीं, बायोलॉजी तो ऐसा कुछ कहता नहीं है, शहर में या गांव में किसी को कम ही ज़मीन है तो आखिर रहेगा कहाँ। तो और वैसे भी हमको इसका व्यावसायिक उपयोग करना है, क्योंकि रेंट वगैरह लगाना नहीं है कि ज़्यादा वो नियम कानून वाला बात इसमें होगा। व्यवसायिक है तो हम कुछ व्यवसाय थोड़ी सी जगह में भी कर सकते हैं। इस पर वहाँ तैयार हुए और फिर हमारे नक्शा को पास किया गया और बना। बनने के बाद आज देखिए, इसमें बिहार सरकार का कौशल विकास केंद्र भी चल रहा है, जिससे हजारों बच्चे अभी तक लाभान्वित हुए हैं, निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा उनको मिल रहा है। इसमें जो ट्रेनर्स हैं वो भी इसमें रह रहे हैं, और काफ़ी अच्छा लगता है। जैसा जब बना उसके बाद यह कि यूनिक ही हो गया, हम सोचे नहीं थे। और आप लोग का भी को भी शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे इस बनावट को आप लोग देखने आते हैं और हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। बहुत बहुत सोच तो बेमिसाल है ही, इसीलिए ये चर्चित मकान है जी। आज से नहीं, 3 सालों से ये चर्चाओं में है, और मैम बता रही थी कि अभी भी लोग आते ही रहते हैं जी। मेरा एक सोच था, सबसे बड़ा सोच था कि जो जैसे किसी को एक कट्ठा ज़मीन है शहर में और 4-5 भाई हैं, जब परिवार बढ़ने लगते हैं तो कैसे बनाएंगे, कहाँ रहेंगे। तो यह एक दिशा निर्देश भी हम देना चाहे अपने तरफ से कि कम ज़मीन हो तो उतना सोचने की बात नहीं है, अपना गुजारा आप उसमें भी कर सकते हैं, रह भी सकते हैं, और कुछ आय का स्रोत भी आप उसमें कर सकते हैं। यह पूरी दुनिया को यह संदेश देना था, यह इस मकान को बनाकर पहुंच गया संदेश जी, लगता है पहुंच रहा है, पहुंच रहा है अभी हमको लगता है यूपी तक पहुंचा है, अभी और आगे पहुंच रहा है। आप लोग तो यूपी पहुंचाई हैं, वैसे काफी आभार, अन्य चैनल वाले भी आए थे सब, अच्छा लगता है। मैडम का क्या नाम है जिनको ये गिफ्ट मिला? अर्चना। अर्चना जी। और आपका? संतोष कुमार नाम हुआ। संतोष जी ने अर्चना जी को ये घर गिफ्ट किया है, दिखाइए ये खूबसूरत सा डाइटिंग वाला घर, जो पतला दुबला सा है लेकिन काफी चर्चित है। वो तो खूब खुश होते होंगे कि उनका जो तोहफा है, लोग चाहते हैं कि तोहफा अनोखा हो। तोहफा में लोग होता है कि शादी होता है तो गिफ्ट में देंगे, सोने का कुछ देंगे, चांदी का देंगे। हमने ऐसा गिफ्ट दिया जिससे वो जिंदगी भर हमारे न रहने पर भी उस याद ही नहीं रखेगी, याद तो रखेगी ही, उसको एक आय का स्रोत भी बना रहेगा, जो एक महिलाओं के लिए सबसे बड़ी आवश्यक चीज होती है। बहुत बढ़िया घर तो आपने देखा, कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय प्रतिक्रिया देते रहिए। ये घर देख के लग रहा है कि अब शहरों में ऐसा घर बनवाया जा सकता है। आपकी सोच को सलाम है, और ये घर मैं चाहूंगी इस घर से ही एंडिंग हो। इस घर को दिखाने के लिए कैमरा पर्सन को काफी दिक्कत हो रही होगी, ऐसे ऊपर करके इतना ऊंचा सा घर दिखाया। कितने फ्लोर में? 4 में। 4 मंजिला ये मकान है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।